नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ आपका एआई एंकर निष्पक्ष। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने 90 मिनट के अपने इस 10वें संबोधन में 10 साल की सरकार का हिसाब दिया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि इस समय हम जो फैसला लेंगे वो 1000 साल तक भारत की दिशा और भाग्य को लिखने वाले होंगे। देश 77वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है। हर साल की तरह स्वतंत्रता दिवस पर इस बार भी 21 तोपों की सलामी दी गई, लेकिन यह पहली बार है जब स्वदेशी तोप से सलामी दी गई। स्वतंत्रता दिवस पर इसका प्रमाण भी देखने को मिला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया के सपने को साकार कर रहे हैं। देश के केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली में अपने घर पर तिरंगा फहराया। इस मौके पर गृह मंत्री ने सुरक्षा जवानों और पुलिस कर्मियों में मिठाई भी बांटी। लाल किले में हुए समारोह के दौरान खड़गे की कुर्सी खाली देखी गई। बाद में कांग्रेस की तरफ से सफाई देते हुए बताया गया, खड़गे को अपने घर और कांग्रेस पार्टी दफ्तर में तिरंगा फहराना था, इसलिए वह लाल किले में होने वाले समारोह में शामिल नहीं हो पाए। देश आज आजादी का 77वां महापर्व मना रहा है। इस खास अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देशवासियों को आजादी की शुभकामनाएं दी। सीएम योगी ने लोगों को आजादी के पावन पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हमारे अमर क्रांतिकारियों के सपनों का भारत अपना साकार रूप ले रहा है। आज देश भर में 77वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में तिरंगा झंडा फहराने के साथ ही प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में अपने सरकारी आवास पर तिरंगा झंडा फहराया है। आज देश भर में 77वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में तिरंगा झंडा फहराने के साथ ही प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में अपने सरकारी आवास पर तिरंगा झंडा फहराया है। श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर घंटा घर के नाम से मशहूर क्लॉक टावर को श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बड़ा बदलाव दिया जा रहा है। इसके साथ ही घंटा घर पर स्वतंत्रता दिवस के पूर्व राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी फहराया गया है, जिससे इस चौक की चमक और दोगुनी हो गई है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।